Hello, Suraj. The question number 6 of IIT JAM 2020. ये क्वेश्चन है आपका पॉइंट एस्टिमेशन का और सफिशिएंसी पे बेस्ड है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि सफिशिएंसी पे कैसे बेस्ड है। सब बच्चे सब कंडीशनल एक्सपेक्टेशन सोचेंगे, जबकि दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन सफिशिएंसी या पॉइंट एस्टिमेशन टॉपिक का है। कैसे ये बड़े हैरान हो रहे बच्चे सारे सारे, अरे कैसे कैसे करें आप सब। तो दिस इज अ टॉपिक ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। अब सफिशिएंसी में अगर आपको पता हो तो हम कहते हैं फैक्टराइजिंग थ्योरम क्या कहती है, हमारा जो फंक्शन आना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आना चाहिए, राइट बेटा। या पिटमैन कुपमैन थ्योरम से अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो समेशन एक्स आई और समेशन एक्स आई स्क्वायर बोथ आर सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स। तो क्योंकि यहाँ पर वेरियंस के लिए 1 दिया हुआ है, तो कैन वी क्लियरली से दैट समेशन एक्स आई इज सफिशियंट फॉर थीटा। यस, वी कॉल्ड एज टी, टी इज इक्वल टू समेशन एक्स आई। So that is t is equal to if we have a sample of size 3, x2 plus x3 is sufficient for theta, means independent of theta. अगर फैक्टराइजेशन थ्योरम से बात करें तो वो इंडिपेंडेंट, फ्री फ्रॉम द पैरामीटर टू दिस, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर डी, इन ऑप्शन नंबर डी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 माइनस x3 गिवन द टी द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज फ्री फ्रॉम थीटा। यस, तब बोलते हैं ना एफ ऑफ एक्स आई गिवन टी इज फ्री फ्रॉम थीटा। तो जब फंक्शन ही फ्री फ्रॉम थीटा है तो उसका एक्सपेक्टेशन भी फ्री फ्रॉम थीटा होगा बेटा। ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था एग्जामिनर का, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे, बट दे माइट बी ट्राइंग समवेयर इन कंडीशनल, तो विच इज फ्री फ्रॉम थीटा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर हमारी सफिशिएंसी लागू ही नहीं होती है। तो समेशन एक्स आई सफिशिएंट था, इसलिए क्वेश्चन हमने पॉइंट एस्टिमेशन का क्वेश्चन था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट आप आगे भी याद रखिएगा फ्यूचर के क्वेश्चन के लिए। 2023 में आया था ये क्वेश्चन। होप यू लाइक दिस क्वेश्चन।